यह है डीबीएन न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं डीबीएन टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले आज के हेडलाइन पर डालते हैं एक नजर। युवा राजद प्रदेश महासचिव अफजल अली खान ने लॉकडाउन को लेकर लोगों से घर में रहने की अपील। दरभंगा के किरतपुर प्रखंड के जमालपुर में बाहर से आए लोगों का हुआ मेडिकल चेकअप। मुखिया संजीदा खातून ने मुख्यमंत्री बिहार सरकार को लिखा पत्र, कोरोना वायरस कोविड-19 के विपदा के समय राशन कार्ड से वंचित गरीब लोगों को भी खाद्यान्न एवं अन्य सभी राहत सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर कराया अवगत। बेगूसराय में कोरोना वायरस पीड़ित का नाम और पता सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने पर प्राथमिकी दर्ज। एसपी अवकाश कुमार के आदेश पर भवेश कुमार भारती, सुबोध कुमार और ओम प्रकाश रजक पर नगर थाना में मामला दर्ज। मोतिहारी के ढाका बाजार में चोरों ने मचाया उत्पात, शटर काटकर मोबाइल दुकान में चोरी। खगड़िया के मानसी बाजार में भीषण आग से 3 दुकानें जलकर राख, 2 बाइक और 1 ऑटो सहित लाखों का सामान जलकर राख। गया के सरघाटी इलाके में 570 लीटर देसी शराब के साथ 3 कारोबारी गिरफ्तार, 1 स्कॉर्पियो, 2 बाइक और अन्य चीजें जब्त। बेगूसराय के मंदिर में पूजा करने आई महिला श्रद्धालुओं को पुलिस ने हाथ जोड़ कर लौटाया, कई मंदिरों को कराया बंद। रामनवमी एवं चैती दुर्गा को लेकर कई मंदिरों में दूर दूर से पहुंचे थे श्रद्धालु। नगर थाना पुलिस शहर के शीतला मंदिर चैती दुर्गा स्थान से श्रद्धालुओं को लौटाया। पटना के बाढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए एसडीएम स्तर के पदाधिकारी उतरे सड़कों पर। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में लॉकडाउन में फंसे गरीब और असहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण करते हम पार्टी के कार्यकर्ता। सीतामढ़ी जिला में कलेक्ट किए गए कोरोना संदिग्ध के 12 सैंपल निगेटिव मिलने से राहत। 5 ट्रेवल हिस्ट्री वालों का सैंपल भेजा गया पटना। लॉकडाउन का जिले में सख्ती से पालन जारी। सहरसा के सदर थाने के जेल रोड पर अपराधियों ने संतोष कुमार नाम के सिपाही को मारी गोली, गंभीर हालत में नर्सिंग होम में भर्ती। ड्यूटी से लौटने के दौरान सिपाही पर हुआ हमला। गोपालगंज में आपसी रंजिश में पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से किया हमला, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। सिंधवलिया थाना के डेहा सुपौली का मामला, आरोपी पति राकेश महतो गिरफ्तार। पटना के किदवई पोस्ट ऑफिस में चोरी, कोतवाली थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। पटना सिटी के RMRI सेंटर में कोरोना वायरस से संबंधित 92 सैंपलों की जांच, सभी रिपोर्ट निगेटिव आने से स्वास्थ्य महकमा में राहत। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। दुनिया में हर वक्त हर लम्हा हो रहा है कुछ न कुछ, कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन क्या सचमुच हर खबर जुड़ी है आपसे? ये बेमतलब के तमाशे, ये भूत प्रेत की कहानियाँ, सास बहू की चिक चिक, डराती धमकाती खबरें, पर वो खबर कहाँ है? जिसमें झलकते हो आपके सवाल, जिसका सीधा असर हो आप पर, आपकी बातें, आपका हक, आपके सवाल, असली खबर, बेखौफ सच, बेबाकता। तरीके से सजग है और सरकार हर वो संभव प्रयास कर रही है कि जनता को तकलीफ। युवा राजद प्रदेश महासचिव अफजल अली खान ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर हमारे संवाददाता से की खास मुलाकात। इस बीच उन्होंने कहा है, देश इस महामारी के चपेट में है, जहां पूरी दुनिया इस महामारी के आगोश में है, तो ऐसे में लोगों को भी कुछ एहतियात बरतनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं, जो देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब सुनिए अफजल अली खान ने
प्रधानमंत्री के लॉकडाउन को लेकर क्या कहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट को। यही कहेंगे कि देखिए हम जैसे हैं, मुझे परेशानी हो रही है, वैसे हर लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि कामकाज सब बंद है, हर चीज़ ठप पड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी हम यही कहेंगे कि आप लोग लॉकडाउन का पालन कीजिए और बंदी का पूरी तरीके से समर्थन कीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर अनावश्यक तरीके से मत निकलिए। और कुछ दिन जो आपका ये, अगर ये सैक्रिफाइस, ये कुर्बानी आप देते हैं, तो ये हम आप सबके लिए भलाई होगा और भला का काम होगा। पुलिस प्रशासन का मदद कीजिए। पुलिस प्रशासन अगर किसी पे लाठी चार्ज कर रही है तो उसकी भी मजबूरी है, उसको भी अपना जान प्यारा है, लेकिन वो अपने जान को जोखिम में लेके रोड पे उतर रही है, हम आपके बीच आ रही है, लोगों को समझाने का, लोगों को डांटने का काम करिए। प्रशासन थोड़ा टाइट नहीं होगी तो उसकी बात कौन सुनेगा। उसी तरीके से डॉक्टर देख लीजिए, इस बीमारी से डॉक्टर भी नहीं बच पा रहे हैं, डॉक्टर को भी ये संक्रमण हो जा रहा है। तो अगर डॉक्टर फिर भी उसके बावजूद, सब चीज़ जानने के बावजूद भी अगर डॉक्टर हमारे बीच मतलब आ रहा है, लोगों के लापरवाही की जो बात है, तो लापरवाह तो सब लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन उन लोगों से भी मैं यही अपील करना चाहता हूं कि आप अपनी लापरवाही को, मतलब लापरवाह ना हो, और आपकी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हर आदमी इस चीज़ के लिए सजग और सतर्क रहिए। सरकार जितना कर सकती है उतना ही करेगी, और सरकार के हाथ में भी सब कुछ नहीं है, कितना करेगी सरकार। हमारा आपका भी दायित्व है कि जो हमारे अगल बगल में गरीब हैं और गरीब मजदूर हैं, उनका लोगों को भी मदद करना चाहिए। हर चीज़ सरकार पे ही नहीं छोड़ देनी चाहिए, जो लोग उस लायक हैं उनका मदद करना चाहिए। और इस सभी लोग बाहर से आए हैं, सबसे पहले तो हम लोग उनको होम क्वारंटाइन किए हैं 14 दिन के लिए। वो परिवार से, अपनों से, सभी लोगों से दूर हैं, क्योंकि बाहर से आए हुए लोगों का कोई मतलब गारंटी नहीं है कि वो किनके कांटेक्ट में थे, किन से मिले बाहर, और किन कौन संक्रमित था या कौन नहीं था, ये कहना मुश्किल है। इसलिए उन लोगों को हम लोग होम क्वारंटाइन कर दिए। वैसे हमारे स्कूल और पंचायत सरकार भवन में भी पूरा व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं, लेकिन लोग घर में ही रहना पसंद किए, तो हम लोग बोले कि होम क्वारंटाइन रहिए, आप घर से बाहर नहीं निकलिए। एक ही आदमी कोई आपको खाना पीना देगा, और लोगों अपने परिवार से दूर रहिए। अगर परिवार से हमदर्दी रखते हैं, उनको समझाने का काम किए, और वो लोग भी समझदार हैं, सब लोग होम क्वारंटाइन में हैं। और आज सभी लोगों का, डॉक्टर की टीम आई हुई थी किरतपुर PSC से, उसमें सभी लोगों को वो मतलब कुछ इस तरह का सिम्टम तो नहीं है उन लोगों में, तो सब लोग ठीक थे, नॉर्मल थे, ऐसा कुछ है नहीं। और लगभग 91 लोगों का मतलब जांच हुआ है, और अच्छा लग रहा है कि हमारा गांव सेफ है, हमारा पंचायत सेफ है। और एज ए मुखिया मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है, और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से हमारा राज्य और हमारा देश भी सेफ हो जाए, और जो भी ये समस्या है ये दूर हो जाए, यहाँ से सारी बात मतलब जो भी परेशानी है हम लोगों की ख़त्म हो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए लॉकडाउन सरकार जो भी फैसला ली है, लॉकडाउन का मतलब है कि अपने आप को एकदम लॉक कर लीजिए, घर में बंद हो जाइए, क्योंकि ये जो वायरस है ये वायरस उड़ता नहीं हवा में, ये मतलब जहाँ है वहाँ 12 घंटा 14 घंटा वो जीवित रहता है, वो ज़िंदा रहता है। तो अगर आप एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं जाइएगा, तो जाहिर सी बात है जहाँ वायरस रहेगा वहीं वो मर जाएगा, और नहीं तो लोग इसको धोने का काम करता है। अगर आप धोने का काम नहीं कीजिएगा, वायरस के कांटेक्ट में नहीं जाएगा, वैसे लोगों के कांटेक्ट में नहीं जाइएगा, और लोग कौन हैं ये तो जानना तुरंत बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए सरकार का जो ये पहल था कि क्योंकि हमारी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और 130 करोड़ की आबादी है, और 130 करोड़ में अगर 1% भी होता तो 1,30,000 लोग मरेगा यहाँ, तो सोच लीजिए कितना बड़ा लॉस और नुकसान है। तो सरकार जो डिसीज़न ली है वो बहुत अच्छा ली है, इसका हम सब लोग समर्थन करते हैं, और समर्थन करना चाहिए हर लोगों को।